ही लव्स, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर सिम्बाई पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान के करंट फीलिंग्स एंड क्या चैनल मैसेजेस हैं आपके लिए, उनके दिल में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या कहना चाहते हैं वो आपसे सब कुछ डिटेल में देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए हैं, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड और भी तरह तरह के वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, रिसेंटली मैंने बनाया है करियर के ऊपर, सोल पर्पस के ऊपर। तो ये प्रेडिक्शंस अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इंस्टा में ज़रूर जुड़िए, अगर आप इंस्टा यूज़र हैं तो इंस्टा आईडी है मिस्टर सिज़म बाई पूर्वा ऑफिशियल। साथ में और भी कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोज़ चाहिए, प्रेडिक्शंस चाहिए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वन बाय वन कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो चलिए अभी हम आगे पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले कार्ड यहाँ पे आया है टावर का, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी कम हो रही है, आप दोनों के बीच का जो फेथ था वो डगमगा रहा है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा क्या हो गया है कि चीज़ें समय के साथ जितनी बेहतर होनी चाहिए थी वो समय के साथ उतनी ही बिगड़ रही है, ठीक है। और जितना ग्रोथ आप दोनों के बीच में होना था वो ग्रोथ डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसके वजह से स्टेबिलिटी बर्बाद हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। दूरियां आप दोनों के बीच में बढ़ रही है, तो रूट कॉज तक पहुंचना चाह रहे हैं आपके पर्सन, फील कर रहे हैं और सर्च कर रहे हैं। बेसिकली मुझे यहाँ दिख रहा है कि जानना चाह रहे हैं कि रूट कॉज क्या है जिसकी वजह से आप दोनों धीरे धीरे दूर हो रहे हो करीब आने के बजाय, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओके, वी हैव एट ऑफ कॉइन्स। सो देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त थोड़े से निराश है, ठीक है, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि समय के साथ जो चीज़ें और भी गहरी स्ट्रांग होनी चाहिए थी, स्टेबल होनी चाहिए थी, उसका उल्टा ही आप दोनों के रिश्ते में चल रहा है। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो क्या एफर्ट डालें, क्या करें, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मैं कितना कुछ इस रिश्ते के लिए करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कितने सारी चीज़ों में फंसा भी हूँ। तो आपके पर्सन मुझे यहाँ दिख रहा है कि पर्सनल लेवल पर हो सकता है स्टक हो सकता है करियर में भी स्टक हैं, करियर में इनके प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है इतने सारा काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं कि इनको टाइम नहीं मिल पाता एक्स्ट्रा कुछ करने का, एनर्जी नहीं मिल पाती एक्स्ट्रा कुछ करने का। फैमिली इश्यूज़ हो सकती है, ठीक है, कि फैमिली अलाउ नहीं कर रही है या घर से निकल नहीं पा रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली है जिसके चलते इनको ऐसा लग रहा है कि मैं एफर्ट डालना चाहती हूँ लेकिन मेरे बस में अभी कुछ नहीं है, मैं कितने सारे जगहों में फंसा हुआ हूँ, तो मैं कैसे चीज़ों को ठीक करूँ, जो चीज़ें जो बर्बादी मुझे अपने नज़रों से दिख रही हैं और जिसे मैं ठीक कर सकता हूँ कुछ हद तक, वो भी मैं नहीं कर पा रही। तो बहुत इनर गिल्ट में जी रहे हैं कि इनको लाइफ मौका नहीं दे रही है, लाइफ इनसे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लेती जा रही है और कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है, ना अपने आप चीज़ें सही हो रही है ना ये कुछ सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक हेल्पलेसनेस फील हो रही है इनको अपने अंदर से जिसे वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वी हैव फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन देखिए वही एनर्जी है कि चाहते कुछ और हैं आपके साथ करना, कर कुछ और रहे हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, एफर्ट सच में डालना चाहते हैं ताकि आप दोनों के बीच की दूरियां, मिसअंडरस्टैंडिंग, इश्यूज़ ठीक हो जाए, ठीक है। लेकिन ये उस चीज़ के लिए कैपेबल अपने आप को फील नहीं कर पा रहे हैं, बहुत इमोशनली ड्रेन्ड हैं, बहुत दुखी, एक अलग ही भारीपन, एक अलग ही दुख इनके अंदर फील हो रहा है इन्हें, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कायर बन चुके हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और हर एक ज़िंदगी के मोड़ पर ये फेल हो रहे हैं, और शायद ये इस यही चीज़ को डिज़र्व करते हैं, ये किसी अच्छे चीज़ के लिए नहीं बने। तो इस तरीके की सैडनेस इनके मन में छाई हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, okay?
ओके, वी हैव फोर ऑफ कप्स। तो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन ना डिसअपॉइंटमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि खुद कुछ अगर नहीं कर पा रहे हैं या चीज़ों को ठीक नहीं लेवल पर लेकर जा पा रहे हैं इस वक्त, तो वो उसी चीज़ से डिसअपॉइंट हो रहे हैं। लेकिन कौन सी चीज़ों पर वो थोड़ा बहुत एफर्ट डाल सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, इस इंसान को आपको टाइम देना है, ठीक है, टाइम देने से आपका रिश्ता सही हो जाएगा, लेकिन ये टाइम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, टाइम का इनका शॉर्टेज है। तो ये कर सकते हैं कि 2 मिनट निकाल के भी आपको दिल की बात एक्सप्रेस कर सकते हैं कि देखो, आज मेरे पूरे दिन में ये हुआ, मैं तुम्हारे लिए ये फील करता हूँ या करती हूँ, बट आई एम बिज़ी, सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा। तो इससे क्या होगा, एक क्लैरिटी आ जाएगी, आपके मन में कोई वहम नहीं चलेगा, आप डाउट नहीं करोगे, आपका चलेगा कि चलो ठीक है, आप उनके सिचुएशंस को जान जाओगे। लेकिन ये पर्सन वो भी नहीं कर रहे हैं। सो मुझे दिख रहा है कि इंसान ओवर थिंकिंग करके ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं अपने माइंड में, एंड यू नो सोच रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकते, जबकि छोटे छोटे जेस्चर्स, छोटे छोटे एफर्ट्स ये डाल डाल कर धीरे धीरे चीज़ों को फिर से स्टेबल कर सकते हैं, जिस पे वो नज़र ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बड़े चीज़ों पे इनका फोकस है कि ये बर्बाद हो गया, ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, लेकिन जो छोटे छोटे एफर्ट्स या छोटे छोटे चेंजेस जो वो इस रिश्ते में ला सकते हैं ईजिली, उन पर इनका ध्यान नहीं है। ठीक है, जिसके चलते जो रेगुलर बेसिस पे उन्हें बात करनी चाहिए, एक्सप्रेस करनी चाहिए, या 5-6 मिनट का ही क्यों ना टाइम आपको देना चाहिए, वो भी ये नहीं दे पा रहे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे कुछ करना है तो बड़े लेवल का करना पड़ेगा, छोटे मोटे चीज़ों से होगी नहीं, जबकि आप दोनों का रिश्ता छोटे छोटे जस्टस से ही अच्छा हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। चलिए कार्ड्स देखेंगे। ओके, वी हैव आई एक्टेड लाइक इट वॉजेंट अ बिग डील व्हेन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। तो कुछ डिसीशंस हो सकते हैं कि इन्होंने ईगो में आकर लिए थे, या आपकी भलाई को देखते हुए हो सकते हैं इन्होंने आपको हर्ट करा था, लेकिन अब उनका दिल उसी डिसीशन को लेकर टूट रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें ज़्यादा देवता बनने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आपके साथ रहना, आपको प्यार करना ही सबसे बड़ा अच्छा काम वो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे इंसान ये बनने जाते हैं तो उसका उल्टा होता है, इस चीज़ को वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं। आई फील एम्प्टी विदाउट मी, आई फील एम्प्टी विदाउट यू, आई एम चेंजिंग एंड लर्निंग सम हार्ड लेसन्स। तो डेफिनेटली अब जो है आपके पर्सन जो है आपको दूर नहीं करना चाहते अपने आप से, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि एम्प्टीनेस हमेशा रहता है जब भी वो आपसे लड़ झगड़ लेते हैं या आपसे दूर हो जाते हैं, और वो उसी चीज़ को लेकर अब सीख रहे हैं, लेसन्स उनको मिल रही है, तो वो समझ पा रहे हैं कि उन्हें कैसे रहना है इस रिश्ते में और कैसे सोच विचार रखने हैं। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, आई नो आई डिडेंट प्रोवाइड यू थिंग्स बट यू डिज़र्व्ड अ लॉट, नाउ आई एम रेडी। तो देखिए, दिल से आपके पर्सन रेडी हैं, लेकिन उनको फिर भी वे नहीं मिल रहा, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनकी लाइफ स्टक हो चुकी है, मतलब ज़िंदगी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है और कुछ भी चीज़ उनका सही नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप में 100% नहीं दे पा रहे हैं, बट स्टिल वो दिल से कहीं ना कहीं रेडी है कि वो इस रिश्ते को संभाल सके, इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके और आपके पास रह सके। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।